गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने इंग्लिश में लेसन 22 स्टार्ट किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। हमने इसमें कुछ रूल्स किए थे और आगे के हम आज करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था और ये एक्सरसाइज मैंने आपको नोटबुक में करवाई थी और इस नोटबुक एक्सरसाइज को आपने बुक में भी फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, रूल नंबर 4 है हमारा, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट प्रोनाउन, ये स्पीच है ना, इसका फर्स्ट प्रोनाउन जो है, आर चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब। फर्स्ट प्रोनाउन हमारा, इसका फर्स्ट जो है हमारा वर्ब से, इंट्रोडक्टरी वर्ब का जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो अब आपने पर्सन का रखे है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। आई माई मी वी आवर अस ही यू यर यू और ही शी इट में। अब आपने देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में बताऊंगी, जॉन सैड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम बिजी। अब इसका क्या हो जाएगा, जॉन सैड दैट, अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगेगा, आई थर्ड पर्सन है ना, जॉन थर्ड पर्सन बॉय के लिए क्या लगता है, ही, आई की जगह पे ही एम प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा, वाज बिजी, ठीक है। ऐसे ही अब शी में दे रखा है, शी सैड आई हैव डन माई वर्क, शी सैड दैट, अब आई शी में चेंज हो जाएगा, शी हैड डन हर वर्क, माई आई के लिए आया है, आई माई मी, शी हर तो शी के लिए हर लग जाएगा, ओके। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट में इन्होंने दिया है प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू योर यू। अगर हमारा पर्सन जो है सेकंड पर्सन में प्रोनाउन है डायरेक्ट स्पीच का, ये देखिए ये यू में है, यू योर यू में है, तो आर चेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन एज अ नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ब। अब हमारा जो सेकंड पर्सन आ जाएगा, आ गया ना, तो सेकंड पर्सन हमारा किस में चेंज होगा, अब यहाँ पर सिर्फ सैड था, इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ था, तो हमने सैड के बाद दैट लगाया था। नेक्स्ट में देखिए, ही हरी सैड टू मी, अब सैड के साथ टू लग गया और उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमारा यू जो है वो चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पहले तो सैड, सैड के लिए हम सैड लगाते थे, अब सैड टू आ गया तो इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ओके। अब हरी सैड टू मी, इसका चेंज हो जाएगा हरी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू यू हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये किसका है, आई माई मी, आई का फर्स्ट पर्सन है ना ये, तो यू चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट बनाने के लिए आई में, आई वाज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, अली सेड टू अशोक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू आर ए गुड बॉय, अली सेड टू की जगह टोल्ड अशोक दैट, अब यू चेंज हो जाएगा अशोक, अशोक क्या है, थर्ड पर्सन है, बॉय के लिए ही लगेगा, ही वाज अ गुड बॉय, ओके। समझ आया ना आपको। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 6 है प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। अब हमारा अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन में है, ही शी इट में है, तो थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन द सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हमारे यहाँ पर भी थर्ड पर्सन में दिया हुआ है तो हमारा चेंज भी थर्ड पर्सन में ही रहेगा, ओके। देखिए, हरीश सेड टू मी ही इज़ इल, हरीश टोल्ड मी दैट ही वाज इल, ही का ही में ही रहेगा। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है, बट नो चेंज ऑफ पर्सन इज मेड व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड टू द पर्सन हुम इट वाज फर्स्ट एड्रेस्ड। अब अगर कौन सा पर्सन चेंज नहीं होता, जो इन्होंने यहाँ पर भी और यहाँ पर अगर हमारा सेम है तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। देखिए, बाली सेड टू यू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू आर रॉन्ग, बाली टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग, ओके। अब आपके यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, 15 सेंटेंस हैं, ये मैंने आपके सॉल्व किए हैं नोटबुक में, आपको मैं सेंड करूँगी और आपको बुक में और नोटबुक में दोनों में ही करने हैं, ओके बेटा, थैंक यू।